हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में गिवन है आपका x प्लस वन बाई एक्स रेशियो x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू फाइव रेशियो थ्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी मेरा x प्लस वन अपॉन x रेशियो x माइनस वन अपॉन x दिया हुआ है और फाइंड करना x की वैल्यू। तो देखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वन अपॉन x बाई x माइनस वन अपॉन x, रेशियो को हम अपॉन में लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं यहाँ पे फाइव बाई थ्री। आगे सॉल्व करते रहिए, इसमें से हम x का एलसीएम ले लें नीचे से, तो ऊपर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन और नीचे के एलसीएम ले लें हम x का, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। और देखिए आपके x और x फिनिश हो जाएंगे और यहां इसको ले सकते हो फाइव बाई थ्री। आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री, ये हमारा प्राप्त हो गया। अब देखिए इस पे क्या करते हैं, इसका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं हम थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। फिर देखते हैं इस टर्म को हम यहां ले जाएं और इस टर्म को यहां ले आए, तो हमारा हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एट, फिनिश करते हैं फोर आ जाएगा, देन एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस टू, यही आपका आंसर है। थोड़ा और देखते हैं यहां से, जैसे हमारा यहां तक प्राप्त हो गया था यहां तक एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू फाइव फाइव बाई थ्री, तो हम इसको यहां से थोड़ा इसमें देख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से, जैसे आपका दिया था एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री। अब देखते हैं भाई ऑप्शन पुट कर सकते हैं यहाँ पे, हम एक्स इक्वल टू वन रखेंगे तो वन का स्क्वायर प्लस वन फाइव तो होगा नहीं, थ्री पे चेक करते हैं यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर यानी नाइन प्लस फाइव वन टेन, तो फिर यहाँ नहीं आएगा। ऑप्शन वाइज चेक कर सकते हैं आप यहाँ से, टू एक्स स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर आप हो जाएगा फोर प्लस वन फाइव, एक्स स्क्वायर फोर माइनस वन थ्री, आप ऑप्शन में से भी इसको कर सकते हैं फाइव रेशियो थ्री, और आपका डायरेक्टली जो सॉल्विंग मेथड है तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस टू ऑप्शन बी।